हर साल की तरह इस बार भी भारतीय सेना अपने मित्र देशों की सेना के साथ ज्वाइंट सैन्य अभ्यास कर रही है। बीते दिन 30 सितंबर से उत्तराखंड के औली में भारतीय सेना और कजाकिस्तानी सेना के जवानों का संयुक्त युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। इस संयुक्त युद्ध अभ्यास का समापन 13 अक्टूबर को होगा। खास बात यह है कि इस बार भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण पूरी तरह से विकसित और आधुनिक विदेशी प्रशिक्षण के तहत होगा। संयुक्त अभ्यास के उद्घाटन समारोह में कजाकिस्तान के कर्नल करीबियेव, कमांडर कजाकिस्तान कंटिंजेंट और कर्नल योगेश उपाध्याय, कमांडर भारतीय कंटिंजेंट ने भाग लिया। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अंतिम संस्करण जुलाई 2023 में कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। 120 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से 5वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के अलावा भारतीय वायुसेना और सेना के अन्य आर्म्स द्वारा किया जा रहा है। भारत और कजाकिस्तान के पर्यवेक्षक भी अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। 60 कर्मियों वाली कजाकिस्तानी टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से लैंड फोर्सेज, एयर डिफेंस फोर्सेज और एयरबोर्न असॉल्ट ट्रूपर के कर्मियों द्वारा किया जाएगा। काजिंद 2024 अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय 7 के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। संयुक्त अभ्यास अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में संचालन पर केंद्रित होगा। संयुक्त प्रशिक्षण से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, सामरिक स्तर पर संचालन के लिए अभ्यास और परिष्कृत अभ्यास और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल है। अभ्यास के दौरान किए जाने वाले सामरिक प्रशिक्षण में एक परिभाषित क्षेत्र पर कब्जा करने की आतंकवादी कार्रवाई का जवाब देना, एक संयुक्त कमांड पोस्ट की स्थापना, एक खुफिया और निगरानी केंद्र की स्थापना, एक हेलीपैड लैंडिंग साइट की सुरक्षा, कॉम्बैट फ्री फॉल शामिल होंगे। स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के अलावा ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग भी शामिल है। काजिंद 2024 अभ्यास दोनों पक्षों को संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम करेगा। संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच अंतर संचालन और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे रक्षा सहयोग का स्तर भी बढ़ेगा। दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मदद मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चमोली से पूरन भिलंगवाल की रिपोर्ट।